नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। मैं खुशबू लेकर आई हूं प्रदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजद के प्रदेश कार्यालय में किया गया मिलन समारोह का आयोजन, कई जिलों के कार्यकर्ता रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कराए सदस्यता ग्रहण। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव का असर, गांधी सेतु के समानांतर नए पुल निर्माण का टेंडर रद्द। टेंडर लेने वाली कंपनी के थे चीनी पार्टनर। चीन के साथ तनातनी के बीच सरकार ने उठाया सख्त कदम, 59 चीनी ऐप्स पर लगाए प्रतिबंध। सरकार के इस फैसले का राजधानी पटना में हुआ जोरदार स्वागत। वैशाली में जाप अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, युवाओं का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का किया भव्य स्वागत। बॉलीवुड एक्टर और भाजपा नेता फूल सिंह पहुंचे बेगूसराय, कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर किया भव्य स्वागत। कहा मां गंगा ने मुझे बेगूसराय बुलाया है। वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से की अपील, मुंगेर में लघु और कुटीर उद्योग पर सेमिनार के आयोजन की कही बात। पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि के कारण मुजफ्फरपुर में देखने को मिला अनोखा प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑटो पर बाइक को लादकर किया विरोध। शिवहर में जिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ समाहरणालय में किया प्रदर्शन, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जमकर की नारेबाजी। मधेपुरा में नकली खाद और बीज कारोबार का मामला आया सामने, मुरलीगंज के एक किसान को बेची गई नकली बीज, शिकायत के बाद एक्शन में नजर आए जिला कृषि पदाधिकारी। डेहरी के डिलिया हाई स्कूल के शिक्षक हृदय नारायण को दी गई सेवानिवृत्त विदाई, प्रिंसिपल के साथ साथी शिक्षकों ने भेंट किया अंग वस्त्र। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वन इलेवन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।